मैं जय सिंह तोमर हाजिर हूं फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। पाली डिस्ट्रिक्ट डीलर एसोसिएशन कोर कमेटी बैठक होटल मैनार्क में संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा आगामी 13 और 14 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव कार्तिकेय श्रोत्रिय ने बताया कि समस्त राजस्थान प्रदेश पेट्रोल व डीजल पर वैट पड़ोसी पंजाब के समान करने के लिए 13 और 14 सितंबर को पेट्रोल पंप डीलर खरीदी नहीं करेगा। यह बड़ा फैसला पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कि 13 और 14 सितंबर को खरीदी नहीं करेगा। उनकी मांग है कि पंजाब के समान वैट यहां पर भी लागू किया जाए। कार्तिकेय ने बताया कि पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहने पर आम सहमति बनी है, यानी 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक पेट्रोल बंद करने पर सहमति बनी है। कार्तिकेय ने बताया कि अगर वेट कम नहीं किया गया तो 15 सितंबर से अनिश्चित हड़ताल करने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हड़ताल सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर कमेटी बनाई गई है, साथ ही 13 और 14 को अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी बंद नहीं होंगी, इमरजेंसी सेवाएं शुरू रहेंगी, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसी सेवाएं शुरू जारी रहेंगी। इस अवसर पर आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार भैया। आज दिनांक 7 तारीख को हमने पाली डीलर एसोसिएशन की मीटिंग, कोर कमेटी की मीटिंग बिठाई थी। इसमें राजस्थान डीलर एसोसिएशन की तरफ से हमने आह्वान किया है कि दिनांक 13 तारीख से हम हड़ताल में जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हम किसी प्रकार की खरीदी और सेल नहीं करेंगे, और यदि हमारी मांगे 13 और 14 को पूरी नहीं होती तो 15 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। धन्यवाद। तो इसी के लिए हमने हमारा पोस्टर विमोचन कराया।